जैसा कि आपको अभी दिखाया एरिया कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया प्यारा सा एरिया लग रहा है मुझे। और लामा देवर में आ ही चुका हूँ। मेरा चश्मा घूम गया यार, चश्मा गिर गया मेरा, जैसा कि चश्मा मैं लेके आ रहा था, तो आई डोंट नो किधर गिरा, नुकसान हो गया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई क्या नाम है आपका? हेलो, कैसे हैं आप? सत्येंद्र भाई। भाई का नाम है सत्येंद्र, तो भाई को शॉर्ट आउट दे दो, बहुत बढ़िया। भाई आपका भी कोई चैनल है यूट्यूब में? चैनल नहीं है, बस बनाने की कोशिश है। ओके ओके ओके, तो भैया यहाँ से रास्ता है सर, आप आगे हमें लीड कर दीजिए फिर हमें ना, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो गाइस देखो कितना प्यारा सा एरिया है, कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर, एकदम नदी जा रही है यहाँ से, एकदम टॉस नदी है ना, आई थिंक जो ऊपर वाटरफॉल है, फ्रेश वाटर है ये। ओके तो गाइस ये पूरा फ्रेश वाटर है, देखो कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, एकदम सुंदर सा। और ये नदी जा रही नीचे को माल देवता की तरफ, तो झरना है ऊपर, अगर किसी को आना है तो आप झरने में भी आ सकते हैं ना ऊपर की तरफ में। तो भाई छोटा सा पुल आएगा, देखो कितना प्यारा सा लगता है, शानदार सा, जो आप ड्राइंग करते थे बचपन में आपको दिखता था, और वैसे ही कुछ रियल यहाँ पे है। तो यहाँ से अभी ऊपर जाना है, ओके। तो भाई यहाँ से जब आप आओगे और सामने से आपको दिखेगा एक बोर्ड यहाँ पे, तो ये बोर्ड ऐसा है जंगल गडेरा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है छोटा सा। और यहाँ से लकड़ी का पुल है भाई, ये लकड़ी का पुल है जो नीचे सीमेंटेड वगैरह कुछ नहीं है, लकड़ी है। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो गाइस लकड़ी का पुल है और ट्रांसपेरेंट है, बेस में लोहा लगा हुआ है, साइड में लगा है। ओके, और वही व्यू प्यारा सा, ये एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे आप होटल वगैरह देते हैं, रूम वगैरह? हाँ, रूम भी है। अच्छा अच्छा, बेसिकली अपने पास हट्स है। अच्छा, एट हट्स है टोटल हमारे यहाँ। ओके, बहुत प्यारा। तो गाइस देखो ये पेरू रिजॉर्ट, ये पेरू रिजॉर्ट क्या है? हमारा दूसरा रिजॉर्ट है, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं अभी आगे चल के वहाँ पेरू वाला भी कितना दूर होगा सर यहाँ से? सर अभी जस्ट आप लालपुर से 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ होगा आपका। अच्छा, तो गाइस लालपुर से 16 किलोमीटर और है, तो हम पेरू भी कवर करेंगे, पहले हम यहाँ का कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से आए थे, और अभी हम कवर करेंगे पूरा लॉन एरिया। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके का लॉन है, और कुछ बढ़िया सा लग रहा है, देखो यार एकदम जबरदस्त। तो ये रूम सर आपके? हाँ, ये पूरे ये हट्स है सर, 3 हट्स साइड से। अच्छा, 5 हट्स हमारे साइड से। ओके, टोटल 8 हट्स हमारे पास है। ओके ओके ओके, टोटल 8 हट्स हैं। और चार्जेस क्या है इसके? चार्जेस सर इसके 4500 इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट, मींस दो मील्स आपके उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, पर डे? पर डे 24 आवर। ओके, उसमें आपका स्विमिंग पूल है, और विंटर के टाइम पे हम बोन फायर वगैरह, ओके, प्लेइंग के लिए लोन्स वगैरह, गेमिंग वगैरह सारी चीज़ें। ओके 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 बॉस, ओके। तो गाइस देखो कुछ इस तरीके का एरिया है, कितना प्यारा लग रहा है, ये लॉन एरिया है, तो इसका कुछ व्यू आपको इस तरीके से देते हैं बढ़िया सा। तो कुछ ऐसा व्यू, और ये लॉन एरिया देख के तो दिल खुश हो गया। और दूसरा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, बहुत बड़ा। भाई कितना बड़ा स्विमिंग पूल है? 4.5 फीट सर इस साइड से कहना है। ओके, और किड वाला भी है ना? अलग से। भाई ये देखो कुछ बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, गर्मियों के दिन आ गए हैं, और देहरादून में यार मज़ा तब आता है जब पहाड़ों के बीच में स्विमिंग पूल हो, और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है। और जो भी मेरी ब्लॉग देख रहा है भाई, इस रिजॉर्ट पे ज़रूर आओ, और इस पे जो मज़ा है ना भाई आने का, यहाँ का तो भाई नेचर ही अलग है, सराउंडिंग ही अलग, ग्रीनरी हमेशा रहती है ना भाई यहाँ पे, तो भाई ग्रीनरी हमेशा रहती है। देखो भाई कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं गाइस, एकदम ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया, क्या ही फूल लगे हुए हैं यहाँ पे। और लामा दाई भी फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे आके, लामा दाई को भी मज़ा आ रहा है। लामा दाई, हाउ वाज द प्लेस? यार दिमाग एकदम फ्रेश हो गया एकदम मेरा तो, यहाँ आके है ना बढ़िया एकदम, एकदम खराब रास्ता और इतना और एकदम जबरदस्त था। तो भाई रूम दिखाने वाले हैं हमें अभी, तो भाई रूम देखेंगे बढ़िया करके, है ना। तो रूम का चार्जेस आपने दोबारा एक बार बता दें। हाँ, रूम का सर 4500 है। ओके, इंक्लूडिंग टू मील्स, उसमें आपका ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड होगा। ओके, तो भाई देखो हनीमून के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये मेरे को है भाई। तो ये टेंट ही है ना मेनली? आउटसाइड ही टेंट है, इसमें बीच में फॉर्म रखी है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बीच में एक फॉर्म लगी हुई है, और इस साइड से वॉल है। ओके, इस साइड से वॉल है, एसी लगा हुआ है, फैन चल रहा है, भाई ठंडा तो हो ही रहा है मौसम,
और वॉशरूम भी कुछ ऐसा है, फुल नेचर मूड। तो भाई देखो इतना अच्छा शावर है यहाँ पे मिलेगा आपको, काफ़ी बड़ा शावर है गाइस, और लग नहीं रहा था मुझे इतना बड़ा शावर होगा, बट बहुत बड़ा शावर है, एसी भी लगा हुआ है, तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली बिल्कुल। जब भी आप आएंगे यहाँ पे तो आपको देखो इतना बढ़िया बेड मिलेगा। हाँ समझ रहा हूँ मैं गाइस, क्या सोच रहे हो आप। यहाँ से जैसे हम यहाँ लॉन पे आए, ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे सीढ़ी से, ठीक है, तो जैसे कि जा रहे हैं और यहाँ से सीढ़ी के पास है और नदी भी आपको सामने दिखने वाली है, बहुत खूबसूरत नदी, देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है नदी की धारा आते हुए। और ये है वो पूल, तो भाई भी रील बना रहे हैं, और देखो गाइस कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त, ये देखो सुंदर है पूल। और ये तो गाइस यहाँ और मज़े करो पूरे भाई, गाइस लग गए हैं प्लेटें और आ गया है खाना, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई आपका नाम क्या है? आशीष भाई हमारे लिए खाना लाए हैं। तो आशीष भाई खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तो ये क्या चीज़ है? चिकन करी ओके, और राइस चिकन करी पहाड़ी स्टाइल। ओह पहाड़ी स्टाइल, ओके, रोटी एंड सैलड। तो भाई देखो भाई कितना बढ़िया सा खाना आया है यहाँ पे, देख के ही मुँह में स्वाद आ रहा है यार, क्या ही टेस्टी लग रहा है। इसे मैं लूँगा यहाँ पे, पहले अलग से लिटा देता हूँ। ये पहाड़ी स्टाइल चिकन है जैसा कि भाई लोग कह रहे थे, थोड़ी ग्रेवी लूँगा और हल्का सा चिकन और ग्रेवी, तो ये ले ली मैंने ग्रेवी, और अब जाएगा थोड़ा सा राइस, बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशबूदार राइस, अलग अलग दाना बारीक बारीक सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है खुशबू, तो इसको भी निकाल लेते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। और राइस राइस बहुत खाता हूँ, बॉडी का राज राइस है, और सैलेड तो मैं ले ही लूँगा। गाइस ये हुई मेरी आज की मील जंगल गडेरा में, और आप रिजॉर्ट में ज़रूर आएँ, और रिजॉर्ट में जब आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा ब्यूटीफुल व्यू, बहुत अच्छा रिजॉर्ट आपने जैसा कि देखा, और आपको मिलने वाला है बहुत टेस्टी फूड, और मैं इसे खाऊँगा अब और आपको खा के बताऊँगा कि ये कैसा है। बहुत ज़बरदस्त है गाइस, ऑसम टेस्ट, पहाड़ी स्टाइल में बनाया था और बहुत मज़ा आया। तो गाइस ज़रूर आइए रिजॉर्ट जंगल गडेरा, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।